हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जमीती मुझे आपको कही ओयोटी रिगार्डिंग समस्त इनफर्मेशन मुझे देवी, तेणु आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। आज आम जाना स्कोप एंड ब्रांचेस ऑफ ओयोटी। ता पूर्व मुझे जनई दूँ, जदि आपन को आम केमिस्ट्री वाला वीडियो गुड़ी भल लगुच तेज प्लीज आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ आउ वीडियोटी शेष पर्यटन देखु। तो चलतु डिस्कशन करवा डिफरेन्ट ब्रांचेस एंड स्कोप विषय। फास्ट आम जाना ब्रांच मैंने कौन आउ स्कोप मैंने कौन, मैंने तो मैंने जानी तो ब्रांच आउ स्कोप विषय जाना। ब्रांच में आम कौन कौन जाना, स्कोप आम कौन कौन जाना, ता विषय में फास्ट जाना। ब्रांच मैंने ओयोटी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कलापर तुम्हें एवं जो ओयोटी एंट्रेंस दब से क्वालिफाई कलापर कौ कोर्स तुम्हें पढ़ी पार, मैंने तार विभिन्न प्रकार डिफरेन्ट कोर्स रही कौन कौन रही जनईबी से कौन कौन तुम्हें पढ़ी पार ता विषय डिटेल्स जाना। आउ तार डिमांड डिमांड मैंने मार्केट में तार डिमांड के रही कौ कोर्स ता विषय में जाना, कौ कोर्सटा भल कौ कोर्सटा खराब ता विषय डिटेल्स आज आम भिडियो जाना। देन स्कोप मैंने कौन जाना, तो मैंने ओयोटी सिलेक्ट है बी एससी कर जो कोर्स गुरा है बी एससी कर से बी एससी पर कौन तुम स्कोप रही मैंने कौ कौ थे जॉब तुम कर। देन तुम जब चाहिए एम एससी कर बी एससी पर एम एससी कर से एम एससी में से पढ़ी सारे पे कौन कौन तुम्हें जॉब रही विषय में डिटेल्स आम वीडियो रे टोटल भाव में जाना। फास्ट है ब्रांच ऑफ ओयोटी। फास्ट आम जाना कौन ओयोटी यूज ब्रांच कौन कौन रही, फास्ट है गोटे वेटनरी साइंस एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर तार हॉर्टिकल्चर बीटेक बीटेकटा हूँ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। देन है फॉरेस्ट्री फिशरी कम्युनिटी साइंस एगुड़ी है कौन ब्रांच ऑफ ओयोटी। मैंने तुम ओयोटी कर सारापर ओयोटी एग्जामा क्वालिफाई कलापर तुम एगुड़ाक पढ़ी पार, यहाँ हूँ कौन ब्रांच ऑफ ओयोटी। ए भितर तुम सबुठू वेटनरी साइंसटा मैंने सैन्सटा भल कह गए मैंने वेटनरी साइंस डिमांड भल रही आउ कम्युनिटी साइंस डिमांड सब कम रही कह गए। आम जब यही कोर्स डिमांड अनुसार देखा, फास्ट है वेटनरी साइंस देन एग्रीकल्चर देन बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बीटेक एंड हॉर्टिकल्चर मैंने बीटेक आउ हॉर्टिकल्चर सेम डिमांड रही। देन है फॉरेस्ट्री फिशरी देन कम्युनिटी साइंस, कम्युनिटी साइंस डिमांडटा बहुत कम रही वेटनरी साइंस डिमांडटा बहुत अधिक रही। जिते आम काउनसलिंग होते आम कौन वेटनरी साइंस आग सीट गुड़ाक फिलअप हो जाए। तुम मन मनरे गोटे क्वेश्चन थी जे यही कोर्स गुड़िक जो मैंने पाइबे कौ अनुसार पाइबे मैंने किए भल कोर्स पाइब आउ किए खराब कोर्स पाइब ता विषय आम जाना। ओयोटी सिलेक्शन तुम तीन टा इवेंट को लेकिन कैलकुलेसन कराए, फास्ट है टेन्थर मार्क देन है ट्वेल्थर मार्क आ सहित ओयोटी एंट्रान्स एग्जाम मार्क। ओयोटी टेन्थर मार्क आ ट्वेल्थर मार्क आउ एंट्रान्स मार्क को लेकिन तुम गोटे वेटेज कैलकुलेसन कराए, से वेटेज अनुसार तुम कौन कोर्सटा मैंने से ही भल भल कोर्स मिले से वेटेज अनुसार जे भल मार्क रखे भल कोर्स मिल, जे खराब मार्क रखा खराब कोर्स मिल, मैंने जार भल वेटेज रे भल कोर्स पाइब भल ब्रांच पाइब आउ जे खराब मार्क रखि कि खराब वेटेज रखि से खराब कोर्स पाइब कम्युनिटी साइंस भाई। देन वेटेज केमी कैलकुलेसन कराए मुझे गोटे भिडियोटे अपलोड करी डिस्क्रिप्शन में तार लिंक देदेवि तुम्हें से देखिपर तुम जान ना केमी वेटेज कैलकुलेसन कराए टेन्थर मार्क को आउ प्लस टूर मार्क को आउ एंट्रेंस एग्जाम मार्क को लेकिन केमी तुम वेटेजा कैलकुलेसन कराए मुझे डिस्क्रिप्शन लिंक देदेवि से भिडर तुम जाए देखिए तुम निजर वेटेज कैलकुलेसन कर। देन आम जाना स्कोप कौन रही ओयोटी रे, स्कोप आमर रही दुई प्रकार गोटे है आक्टर बी एससी आ गोटे है आक्टर एम एससी। बी एससीटा कौन जो तुम यही ब्रांच में पढ़व तापर तुम यदि कोई जॉब करके चाहो से आक्टर बी एससी आउ तुम यदि बी एससी पर पुणी एम एससी करतापर कौन कौन जॉब रही आक्टर एम एससी। फास्ट में देखा आक्टर बी एससी, बी एससी पर तुम कौन कौन रही जॉब पर गोटे हूँ ए ए एल ए एटा हूँ कौन आसीस्टाट एग्रिकलचर अफिसर मैंने यहाँ हूँ सब टप टप जब गुराक मुझे कहूँ आसीस्टाट एग्रिकलचर अफिसर एर दरमा बहुत अधिक आपर है एएचओ गोटे हूँ कौन आसीस्टाट हॉर्टिकल्चर अफिसर। देन है एएफओ एग्रिकलचर फिड अफिसर एगुरा सब तापर तो आहरी के ब्रांच स्कोप के कि तुम टप टप मानने जार कि मिनिमम दरमा हूँ कौन 50-60 हजार टाँह दरमा सैलरी रहा हूँ टप टप जब गुराक। आम जाना कौन नेक्स्ट स्कोप स्कोप गुराक है इंडिया यही तीन टा जो कही सब ओडिशा स्कोप। नेक्स्ट स्कोप आम जाना इंडिया बेसीस एफ सी आई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देन है आईएफओ इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर तार नाबार्ड गोटे अच्छी एन ए बी ए आर डी नाबार्ड हूँ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यहाँ हूँ कौन ये तीन टा हूँ आम इंडियान बेसीस जो प्रथम तीन टा कही है तुम ओडिशा बेसीस जो छटा तुमको जब कहली यही जब गुराक हूँ तुम सबुठ हाई क्वालिटी जब रही मैंने ओयोटी
ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜବ୍ ରହିଛି, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେବେଳେ ଜଣାଇଦେବି। ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଫ୍ଟର ଏମ୍ଏସ୍ସି, ଏମ୍ଏସ୍ସି କରିସାରିଲା ପରେ ତୁମର କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ହେଉଛି ଏଇ ଜବ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଲି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଗୋଟେ କମନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହେବ। ହେଉଛି ସେ କମନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ କେବଳ ଓୟୋଟିର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ତୁମେ ଯଦି ଓୟୋଟି କରିଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବ। ମାନେ ସେଇ କମନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଓୟୋଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଓୟୋଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ହିଁ କେବଳ ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଫ୍ଟର ଏମ୍ଏସ୍ସି ପରେ ତୁମର କ'ଣ କ'ଣ ସ୍କୋପ୍ ରହିଛି ବା କ'ଣ କ'ଣ ଜବ୍ ରହିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଗୋଟେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ଏସ୍ସି କରିବ ନେଟ୍ଟା କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲା ପରେ ଏଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଜବ୍ଟା ତୁମେ କରିପାରିବ। ଦେନ୍ ହେଲା ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅଫ୍ ଆଇଆଇଟି। ଏଇଟା ଗେଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲା ପରେ, ମାନେ ଆଫ୍ଟର ଗେଟ୍, ଗେଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲା ପରେ ତୁମେ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅଫ୍ ଆଇଆଇଟି ଜବ୍ଟା କରିପାରିବ। ତା'ପରେ ହେଲା ଏଗ୍ରିକଲଚର ରିସର୍ଚ୍ଚ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ରିସର୍ଚ୍ଚ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବା ଏଆର୍ଏସ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ଆଫ୍ଟର ଏମ୍ଏସ୍ସି ପରେ ଏଇ ଏଇ ଭଲ ଜବ୍ ରହିଛି। ତା ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କେତେ ଅଲଗା ଜବ୍ ରହିଛି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ବ୍ରାଞ୍ଚ ଭିତରେ ଆମର ରହିଲା ଭେଟେନାରୀ ସାଇନ୍ସ, ଏଗ୍ରିକଲଚର, ହର୍ଟିକଲଚର, ବିଟେକ୍, ବିଟେକ୍ଟା ହେଉଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଫରେଷ୍ଟ୍ରି, ଫିସରୀ, କମ୍ୟୁନିଟି ସାଇନ୍ସ। ଆଉ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିବ ଭେଟେନାରୀ ସାଇନ୍ସ, ସବୁଠୁ ଶେଷରେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ କମ୍ୟୁନିଟି ସାଇନ୍ସର। ଦେନ୍ ସ୍କୋପ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ସ୍କୋପ୍ ରହିଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଆଫ୍ଟର ବିଏସ୍ସି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ବିଏସ୍ସି ପରେ ହେଲା ଏଏଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର, ଏଏଚ୍ଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହର୍ଟିକଲଚର ଅଫିସର, ଏଏଫ୍ଓ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର। ଦେନ୍ ହେଲା ଏଫ୍ସିଆଇ, ଫୁଡ୍ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଇଏଫ୍ଓ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର, ନାବାର୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମର ଗୋଟେ କମନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ସେଥିରେ କେବଳ ଓୟୋଟିର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଦେଲା ପରେ ତୁମେ ଯଦି ସେଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଜବ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇପାରିବ। ଦେନ୍ ହେଲା ଆମର ଆଫ୍ଟର ଏମ୍ଏସ୍ସି, ଏମ୍ଏସ୍ସି ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜବ୍ ରହିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର, ଏଇଟା ନେଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲା ପରେ ଆଫ୍ଟର ନେଟ୍। ତା'ର ହେଲା ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଫର୍ ଅଫ୍ ଆଇଆଇଟି, ଏଇଟା ଗେଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲା ପରେ। ତା'ପରେ ହେଲା ଏଗ୍ରିକଲଚର ରିସର୍ଚ୍ଚ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଏଆର୍ଏସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଆଫ୍ଟର ଏମ୍ଏସ୍ସି କୋର୍ସ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହୋଇଥିବ, ତେଣୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।